गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडे आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन विच इज़ योर थर्ड यर सब्जेक्ट नाउ इफ आई विल स्टार्ट विद चैप्टर वन दैन इन हेल्थ एंड डिजीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड द सेकेंड इज़ रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एनवायरमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज ये टॉपिक जल्दी नहीं मिलता काफ़ी सर्च करने के बाद मिलेगा ये आपको एंड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आता ही है एंड द सेकेंड चैप्टर इज़ एपिडेमियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एपिडेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एम्स इसका तैयार कर लीजिएगा एंड प्रिंसिपल्स बेसिकली एपिडेमियोलॉजी में प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स एंड एम्स ही पूछे जाते हैं अब अगर मैं बात करूँ स्क्रीनिंग की देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव यूजेस एंड टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ड्यू टू कोरोना ऑल्सो दिस क्वेश्चन में भी आज रिन योर एग्जाम नाउ द थर्ड चैप्टर इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस सो बेसिकली जो क्वेश्चन इसमें शॉर्ट में ही आते हैं जूनोज एंड सरफेस इन्फेक्शंस एंड ओबिसिटी क्वेश्चन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से भी पूछा जा सकता है इफ कम्युनिकेबल डिजीज से आता है देन आपको कुछ दो से तीन डिजीज को क्लैरिफाई करके लिखना पड़ेगा एंड द फोर्थ चैप्टर इज पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पी एच सी यू सी एस सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं इसमें से एंड द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इसे आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा एंड ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा अगर आएगा तो एंड दिस इज़ द फोर चैप्टर्स नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया सो इसमें अगर क्वेश्चन आता है देन आपका नेशनल लेबरेसी रेडिकेशन प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं एंड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड uh, नेशनल ट्यूबोकोलोसिस प्रोग्राम में आर एन टी सी पी नाम से ही क्वेश्चन आएगा एंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम योर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है मिशन इंद्रधनुष ऐसा क्वेश्चन भी आता है एंड नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉ चैप्टर सिक्स इज डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग सो डेमोग्राफिक साइकिल आती ही आती है एंड काफ़ी इंपोर्टेंट है हर बार क्वेश्चन मिलते ही हैं ये वाले एंड द सेवन चैप्टर इज प्रिवेंटिंग मेडिसिन इन ऑब्सट्रेक्टिव सो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेस एंड योर एंटी नेटल प्री नेटल पोस्ट नेटल ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में ही आते हैं बट आते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इफ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर एट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लासीफिकेशन ऑफ फूड एक छोटा टॉपिक है एंड जो आता भी है ना इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर नाइन एनवायरमेंट एंड हेल्थ सो इसमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते बिकॉज बेसिक्स है because basics आपने पढ़ाई है सो वॉटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो बेसिक है चैप्टर टेन इज़ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट योर सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड और कुछ इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नहीं है डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस ही आता है जब भी आता है

In this chapter, principles of health education is important and it is asked in many topics. So, this is all about your community medicine. I hope this will help you out. So, thank you for watching my video and keep subscribing me.